आईपीएल 2024 की ताजा तरीन खबरें। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग को झटका दिया। चेन्नई ने 20 रनों से मैच गवाया। खलील अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच। तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई पर। अब खबरें विस्तार से। आईपीएल 2024 का 13वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया, जहां दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने पारी की शुरुआत की। और आते ही दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत देकर दिल्ली की टीम को पावर प्ले में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दिल्ली की टीम ने केवल 9 ओवर में 90 रन का आंकड़ा छू लिया, लेकिन तभी डेविड वार्नर अर्धशतक बनाकर मुस्तफिजूर की गेंद पर 52 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को 93 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। और वार्नर के आउट होने के तुरंत बाद पृथ्वी शॉ भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर 43 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 103 रनों पर दिल्ली को दूसरा झटका लगता है। एक छोर पर कप्तान ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ मिचेल मार्श निभा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी 2 रन बनाने के चक्कर में 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर महिषापति राणा की गेंद पर मिचेल मार्श बोल्ड हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को 134 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर पथिराना की अगली गेंद पर ट्रिसन स्टफ भी आउट हो जाते हैं और वे 0 रन पर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार 134 रन पर दिल्ली को चौथा झटका लगता है और अंत के ओवरों में ऋषभ पंत काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और पंत आईपीएल 2024 का पहला अर्धशतक लगाते हैं और अर्धशतक लगाते ही पथिराना की गेंद पर आउट हो जाते हैं। इस प्रकार ऋषभ पंत की पारी का 51 रनों पर विराम लग जाता है और अंत में दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 191 रन ही बना पाती है। और अंत में अक्षर पटेल ने 7 और अभिषेक कोरल ने 9 रनों की नवाद पारी खेली। वहीं आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मथीसा पथिराना ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 192 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। गायकवाड़ 1 रन बनाकर चलते बने, फिर रचिन रविंद्र भी 12 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई की टीम को 7 रन के स्कोर पर 2 झटके लगते हैं। और खराब शुरुआत होने की वजह से अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिचेल भी काफी धीमी बल्लेबाजी करके चेन्नई के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और 10 ओवर में चेन्नई की टीम 70 रनों का आंकड़ा छू लेती है, लेकिन तभी डेरिल मिचेल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं जिस वजह से वह 26 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 75 रन के स्कोर पर चेन्नई की टीम को तीसरा झटका लगता है। यहां से चेन्नई की रन रेट बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर अजिंक्य रहाणे भी अब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर अगली ही गेंद पर समीर रिजवी खलील अहमद का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार 102 रन के स्कोर पर चेन्नई की टीम को 5वां झटका लगता है। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान एमएस धोनी होते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। रविंद्र जडेजा ने नवाद रहते हुए 17 गेंदों में 2 चौके की मदद से 21 रन बनाए, जबकि कप्तान धोनी ने 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 16 गेंदों में 37 रनों की धुआंधार पारी खेला, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज जीत के आंकड़े को नहीं छू सके और 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर महज 171 रन ही बना सके और मैच को 20 रनों से गवा दिया। इस प्रकार ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत गई और धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की हार हुई। मैच में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज खलील अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। खलील अहमद ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर पहुंच गई। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 1 जीत और 2 हार के साथ उसके 2 पॉइंट्स हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम पहली हार के साथ में ही दूसरे पायदान पर आ गई, जबकि पहले वह पहले पायदान पर थी। चेन्नई सुपर किंग ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 जीत और 1 हार के साथ उसके 4 पॉइंट्स हैं। इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में 1 पायदान का घाटा हुआ है, जबकि नंबर 1 पर कोलकाता नाइट राइडर की टीम बनी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स की इस शानदार जीत पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।